सर, शिवा रामा कुमार का एक सवाल है श्री सीमेंट्स को लेकर के, क्या लंबे समय के लिए श्री सीमेंट्स में निवेश किया जा सकता है अभी? देखिए, अगर आपने निवेश नहीं किया है तो श्री सीमेंट थोड़ा महंगा लग रहा है। कंपनी सॉलिड है, फंडामेंटली आप उसको देखो तो लो डेट कंपनी है उसका, मतलब लॉन्ग टर्म अगर एवरेज ग्रोथ आप अगर देखो तो उसका करीबन 32% है। ठीक है, तो सब कुछ ठीक है इस कंपनी में, लेकिन आप फिर भी अगर लिए नहीं हो, अब तक लेने की सोच रहे हो, तो मैं आपको एक कंपनी दूंगा जो स्मॉल कैप कंपनी है, अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट, उसको आप देखिए। आपको अगर लार्ज कैप ही लेना है श्री सीमेंट के जैसी, तो आप श्री सीमेंट ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप अगर सोचते हो कि हाँ भाई थोड़ा अग्रेसिव बन सकता हूं मैं, कोई इश्यू नहीं है, तो आप एक कंपनी है अंजनी पोर्टलैंड, APCL करके नाम रहेगा, तो जी 376 वो चल रहा है अभी। आप, हाँ ये मैंने रेकमेंड किया था कुछ शोज पे करीबन 260 में। ठीक है, 260 का ये 376 हो गया है, फिर भी वैल्यूएशन मुझे सस्ता लग रहा है इसका, तो इसको आप लेके रखो एंड श्री सीमेंट से ज्यादा ही कमाओगे इसमें आप। ठीक है, तो ये कह रहे हैं विवेक सर कि श्री सीमेंट से बेहतर है कि एक सीमेंट सेक्टर का एक अच्छा प्लेयर जो आपके सामने है, अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट्स APCL, ये ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट है एज कम्पेयर टू श्री सीमेंट्स अगर आज की तारीख में, क्योंकि आज की तारीख में और श्री सीमेंट खराब नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि श्री सीमेंट्स चल चुका है, थोड़ा ज़्यादा महंगा हो चुका है, तो इसलिए इन लेवल्स पे एंट्री नहीं एडवाइजेबल है। तो अगर आपको अभी नई एंट्री लेनी है तो उसमें एक अच्छा कैंडिडेट है APCL। दिनेश शर्मा जी का एक सवाल है, डेक्कन और रैमको दोनों पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा या दोनों कैसे लग रहे हैं आपको? डेक्कन मतलब डेक्कन सीमेंट की बात जी कर रहे हो? जी 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 डेक्कन सीमेंट सस्ता है, मतलब मैंने एक सैटरडे संडे इस पे देखा था इसको, तो डेक्कन सीमेंट सस्ता लग रहा है, और आप इसको होल्ड करो, ये 600 का हो सकता है 800 भी चला जाए। तो जो पहले वाले दर्शक ने पूछा था ना, श्री सीमेंट लू या अंजनी लू, हाँ अंजनी तो बात नहीं, अंजनी तो मैंने बोला था, तो हाँ आप अगर श्री सीमेंट से मतलब अंजनी लेना अगर तो डेक्कन लेना, तो डेक्कन भी ले सकते हो, तो ये 600 का 800 हो सकता है। और डेक्कन अंजनी से छोटी कंपनी है मार्केट कैप में, अंजनी करीबन 900 करोड़ बिक्री की रहेगी और डेक्कन शायद 800 करोड़ की रहेगी, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों अच्छे काउंटर से, दोनों ले सकते हो आप। ठीक है। और तीसरा सर इसी में रैमको सीमेंट्स, रैमको सीमेंट है, सिस्टम है, सीमेंट सीमेंट्स रैमको सीमेंट, एक सेकंड मैं अभी आपको बताता हूँ, मेरा रैमको सीमेंट थोड़ा वैल्यूएशन कॉस्टली है, काफी बढ़ चुका है ये रिसेंट पास में, और 24,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप इसका अगर देखो तो करीबन 13-14% का है, वो डिसेंट है, तो ग्रुप अच्छा है ये बेसिकली रामको। लेकिन इस मार्केट में अगर आपको फास्ट पैसा कमाना है, तो यहाँ पे आप मिड एंड स्मॉल कैप्स के साथ रहोगे, और अच्छे मिड एंड स्मॉल कैप्स के साथ रहोगे तो ज्यादा कमाओगे। उस बेसिस पे डेक्कन और अंजनी मेरा टॉप पिक्स रहेंगे कंपेयर टू रामको। ये राय है विवेक सर की। तो आज हमने काफी हद तक सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छे से समझ लिया और उस पर काफी अच्छा डिस्कशन हो गया।